हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट आज जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं कि आपने डिटरमिनेंट का 2x2 का एंड 3x3 का कैसे निकालना है, लेकिन वो फॉर द सब्जेक्टिव रोल है। अगर आपके पास जब सब्जेक्टिव एग्जाम आप अपने देते हो उनके लिए है तो स्कूल्स में या फाइनल्स एग्जाम जब आपके होंगे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम प्लस टू वाले बच्चे जो देते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में भी डिटरमिनेंट पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाए, तो वहाँ पर नो डाउट हमें ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो डिटरमिनेंट में भी मैंने आपको आज शॉर्टकट ट्रिक प्रोवाइड करवाना है जिसका डिटरमिनेंट का आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3x3 का डेट निकालने में जो आपको टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं आपको एक मैट्रिसेस लिख देता हूँ बेटा। मैंने मैट्रिसेस लिखा है एक 3 -4 5 1 1 -2 और 2 3 1। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का तरीका हम जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर नो डाउट कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन अब हम शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। MCQs जब ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करना होता है। तो देखिए ट्रिक्स बहुत आसान है, कैसे आपने करना है। आपने जो मैट्रिसेस आपको दिया होगा बेटा रफ वर्क में, आपने उसको पहले लिख लेना है 3 1 2 -4 1 3 5 -2 and 1, ये आपने लिख लिया। अब आप छोटा सा काम और करेंगे, आपके पास जो फर्स्ट आपकी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम क्या है 3 1 2, उसको दोबारा लिख लेंगे 3 1 2। ठीक है, सेकंड कॉलम बेटा आपका क्या है, सेकंड कॉलम है आपके पास -4 1 3 -4 1 3। कुछ मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने क्या किया फर्स्ट कॉलम को रिपीट करके उसके साथ ही लिख लिया और सेकंड कॉलम को भी रिपीट करके उसके साथ लिख लिया। अब आपने ये दोनों कॉलम उसके साथ लिखे हैं। अब आपने बेटा क्या कर रहे हैं, अब आपने सबसे पहले तो इन जो मैट्रिसेस हैं आपके इनकी कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है। डायगनली प्रिंसिपल पहले मल्टीप्लाई होता है, प्रिंसिपल डायगनल पता है ना आपको, उसको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्रिंसिपल डायगनल इसके कौन से होंगे मैं जरा उनको लिख दूं। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो सबसे पहले आ रहा है 3x3 में, जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं वो चुनना है, 2 वाला नहीं चुन लेना है, 3 वाला चुन लेना। एक ये आ रहा है बेटा सबसे पहले, ठीक है जी। दूसरा कौन सा आ रहा है आपका, दूसरा आ रहा है आपका बेटा ये वाला, ठीक है। ये मैंने अलग से कलर में इसको शेड कर दिया है, ये आपका सेकंड वाला आ गया है, ठीक है जी। और थर्ड वाला कौन सा बेटा आपका आ रहा है, थर्ड वाला आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल पहले लेफ्ट हैंड वाले आपने लेफ्ट हैंडेड पहले लेने हैं, राइट वाले हम अलग से लेंगे। तो ये रहे आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, ओके, समझ गए ना, प्रिंसिपल डायगोनल आपने ले लिए। इसी मैट्रिसेस को जरा एक बार और लिख देते हैं हम। ये रहा हमारा 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1 3 1 2 -4 1 3, मैच कर लेते हैं 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1 3 1 2 and -4 1 3। पहले तो हमने लेफ्ट वाले लिए थे, अब बेटा हम जरा राइट हैंड साइड वालों को अलग से लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लिए थे ना हमने, अब हम जरा राइट हैंड साइड वालों को भी चूज कर लें। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज करना है, अब हमने किसको चूज करना है बेटा, राइट हैंड साइड को चूज करना है। राइट हैंड साइड में कौन कौन से आ रहे हैं पहले उनके ऊपर ध्यान दे लें। राइट हैंड साइड में सबसे पहले आ रहा है आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में सबसे पहले 3x3 का सबसे पहले ये वाला आ रहा है, उसके बाद बेटा सेकेंड वाला पोर्शन आपका आ रहा है, ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका थर्ड वाला पोर्शन आ रहा है जो कि ये रहा, ठीक है। तो आपने इनको मार्क कर लिया, ओके। अब आइए मेन मुद्दे के ऊपर, मेन काम के ऊपर जो हमने करना है।
ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लिए थे मैंने, इसको एस वन बोलना है आपने। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, जो जो मैंने शेडेड पोर्शन किए थे डायगनली प्रिंसिपली किए थे तीनों, तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 3 × 1 × 1 कितना आएगा बेटा, 3, प्लस का साइन डालिए। −4 × −2 × 2 −4 × −2 8, 8 को 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 16। 5 × 1 × 3 5 × 1 5, 5 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 15, ठीक है 15। और ये कितना हो गया बेटा 15 31 34, है ना, यही हुआ ना, ये हो गया आपके पास, नहीं 15 × 50, यस तो 34 हो गया। अब आइए दूसरी चीज के ऊपर, अब आपने क्या करना है S2 निकालना है। S2 कौन सा है, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 × 5, ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं प्रिंसिपल डायगोनल दूसरे वाले मैट्रिसेस के, 2 × 1 × 5 कितना हो गया बेटा 10, 3 × −2 × 3 3 × 2 6 6 × 3 18 माइनस का साइन साथ में, 1 × 1 1 1 × 4 माइनस का 4, ठीक है ये कितना आ गया −18 − 4 माइनस का 22, −22 प्लस का 10 कितना आ गया माइनस का 12 आ गया आपके पास, ठीक है। S1 एंड S2 आपके पास आ गए दोनों, जब आपके पास S1 एंड S2 आ जाएंगे तो आपका जो मैट्रिसेस है मेन मैट्रिसेस आपका डिटरमिनेंट जो आपने निकालना था वो बेटा कुछ खास नहीं है, S1 माइनस S2 कर दीजिए। S1 कितना है आपके पास 34 माइनस का साइन, S2 कितना है माइनस का 12, तो 34 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 34 और 12 कितना हो गया बेटा 46, दिस वन इज योर आंसर, ओवर। तो डिटरमिनेंट तो निकालना बहुत ही इजी है शॉर्टकट में, आपने करना क्या है कुछ खास चीजें नहीं अपनानी है, आपने क्या करना है जस्ट मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, 3×3 का मैट्रिसेस आ गया, आपने 3×3 के मैट्रिसेस को उसकी जो फर्स्ट कॉलम है रिपीट करके लिख लिया, सेकंड जो कॉलम है उसको आपने रिपीट करके लिख लिया, ठीक है। ये जब आपने रिपीट करके लिख लिए इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई पहले करना है, प्रिंसिपल डायगोनल मैंने अलग से शेड करके रखे हैं तीन वाले, दो वाले नहीं तीन वाले, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तीनों के मल्टीप्लाई के जो आंसर आए हैं उनको प्लस कर दिया, इसका नाम मैंने एस वन रख दिया, ठीक है। फिर दोबारा मैंने वही मैट्रिसेस लिख लिया जो था, बट अब मैंने प्रिंसिपल डायगोनल लेफ्ट वाले नहीं किए, अब मैंने राइट वाले मल्टीप्लाई किए, राइट हैंड साइड वाले तीनों को मैंने शेड कर लिया, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और उनको प्लस कर लिया डायगोनल्स को, तो एस वन एंड एस टू जो जो आंसर आए हैं उन दोनों को आपने माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो ये बेटा बहुत ही एक आपके लिए आसान वे मैंने प्रोवाइड करवाया है कि जिससे आपके डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर दोहरा देता हूं, ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट है वो पुराने तरीके से ही करेंगे, हाँ ये तरीका अलग है कि आप रफ वर्क में इसको फाइंड आउट करके देख लीजिए पहले, तो आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपने इसका डिटरमिनेंट का आंसर ये वाला आने वाला है और आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।